इस चैनल को देख रहे सभी सम्मानित अभिभावकों, माता पिताओं और गुरुजनों को मेरा नमस्कार। यदि आपका बच्चा कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ रहा हो और आप उसे गणित और विज्ञान का अध्ययन कराना चाहते हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1 सब्जेक्ट होगा गणित को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो यह संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में देखिए बीच में शून्य होता है और दाएं ओर बढ़ते हुए क्रम में इसमें संख्या होती है और बाएं ओर को घटते हुए क्रम में होती है। यह आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। तो शून्य के बगल में यह 1, 2, 3, 4, यह 5 है, 6, 7, 8, फिर आपको 10 लिखा हुआ मिल रहा है, 11, 12, 13, 14, फिर 15 लिखा हुआ मिल रहा है। इसी प्रकार शून्य के दाएं बाएं ओर देखिए, इसको हम बोलेंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। यहाँ पर लिखा गया है ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10। तो बाएं ओर जितना भी टेम्परेचर है या घटते हुए क्रम में हो, यानी शून्य से भी कम होगा इनका मान। शून्य, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इन सबसे बड़ा होगा और ऋण 5, ऋण 10 में ऋण 10 छोटा होगा, ऋण 5 बड़ा होगा। अर्थात ऋणात्मक जो मान जितने बड़े आपको दिखेंगे वो उतने छोटे होंगे। तो इसमें जो नीचे प्रश्न है हमें इनके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो सर्वप्रथम देखिए लाहौल स्पीति, यहाँ का तापमान देखिए कहाँ पर है, -5 से 3 आ गया है, तो -8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है श्रीनगर, श्रीनगर का है -2, देखिए 0, -1, -2। तीसरा जो है शिमला, शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। और ऊटी, ऊटी का है 15 से 1 कम, यानी 14 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट है बेंगलुरु, बेंगलुरु का जो तापमान है वह है 25 से 3 कम या 20 से 2 आगे, तो 22 डिग्री सेल्सियस। पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है। इसे हम लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस। इसी में दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। उपरोक्त में से सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमानों का अंतर बताइए। तो सबसे अधिक तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम है -8। तो 22 में से हम -8 को हम कम कर लेंगे, तो लिखेंगे 22 -8, तो यह हो जाएगा 22 - देखिए ऋण और ये ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो ऋण से ऋण को गुणा करते हैं तो धन होता है, ऋण धन आता है, तो यह हो जाएगा -8। 22 में हम 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, तो 30 डिग्री सेल्सियस। सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के तापमान का अंतर आपको बताना है। तो श्रीनगर का तापमान देखिए -2 है और लाहौल स्पीति का -8 है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो इन दोनों में बड़ी संख्या जो होगी -2 होगी और छोटी -8 होगी, तो -2 में से हम -8 को घटा लेंगे, तो यह हो जाएगा -2 - -8, तो आ जाएगा -2 और माइनस गुणा होंगे तो यह बन जाएगा +8। अब देखिए -2 + 8, तो ऋण और धन जब होते हैं तो वह घटते हैं और चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है। तो अभी देखिए धन वालों की संख्या 8 है, ऋण वालों की 2 है, तो 8 में 2 कम करेंगे तो यह आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा। डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। और सेकंड ने इसमें पूछा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। यह कह रहा है श्रीनगर और शिमला का जो तापमान है उसको मिलाकर तो क्या वह शिमला के तापमान से कम है। और फिर दूसरा पूछता है, क्या यह श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो हम देखते हैं शिमला का जो तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और श्रीनगर का जो तापमान है वह -2 है, इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 + -2, यानी +(-) करेंगे तो माइनस आ जाएगा 5 - 2, यानी 3। अब देखिए शिमला का जो तापमान है वह 5 है और यह जो तापमान शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग आया यह 3 आया। आपसे पूछा गया है क्या यह शिमला के ताप से कम है, तो आपको साफ दिख रहा है देखिए 3 5 से कम है, 3 < 5, तो उत्तर बोलेंगे हाँ। दूसरा आपसे पूछ रहा है, इज इट ऑल्सो लेस देन
टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब देखिए श्रीनगर का जो तापमान है वो -2 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा ये जो योग आया वो आया 3। 3 जो है -2 से छोटा है क्या? नहीं है, 3 जो है -2 से बड़ा होता है। यह तापमान श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। दूसरा प्रश्न है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करप्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरप्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड वेयर 25 -5 -10 15 एंड 10 व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। किसी क्विज प्रतियोगिता में सही उत्तर के लिए धनात्मक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जैक को क्रमशः 25 -5 -10 15 और 10 अंक मिले तो अंत में उसके कुल कितने अंक थे? तो हम जो अंक प्राप्त किए हैं उन्हें जोड़ लेंगे, तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 25, यहाँ धन और ऋण को गुणा करेंगे तो -5 और धन और ऋण गुणा करेंगे -10 -15 और -10। तो देखिए -10 और -10 यानी 10 -10 19 बन जाएगा, तो यह कैंसिल हो जाएंगे, बच गया हमारे पास 25 प्लस 15, 25 में 15 जोड़ लीजिए यह हो जाएगा 40 और -5, 40 में 5 कम कर लेंगे तो यह आ जाएगा 35। तो जैक को जो है अंत में कुल कितने नंबर मिले? 35 मार्क्स उसे प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। व्हाट वॉज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे? वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वॉज द टेम्परेचर ऑफ दिस? तो श्रीनगर का तापमान सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को यह 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया यानी कम हो गया। तो मंगलवार को तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान क्या था? तो सोमवार को जो तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस था, अब मंगलवार को वह 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? कम हो गया, गिर गया। तो -5 में से हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, प्लस करेंगे, -5 -2। तो माइनस और माइनस जो होते हैं जुड़ते हैं, इधर माइनस ही रहता है, तो यह आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार का तापमान आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। इसे आप इस नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। देखिए सोमवार को -5 था और मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया, तो कम में हम बाई ओर को जाते हैं, -6 -7 आ जाएगा मंगलवार को। अब बुधवार को जो है 4 डिग्री बढ़ गया, तो -7 से 4 आगे जाएंगे, बढ़ने पर दाएं ओर जाते हैं, तो -7 से -6 1 -5 2 -4 3 -3 4। तो जो बुधवार का जो तापमान आएगा वह -3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और गणितीय रूप में हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब मंगलवार को जो तापमान था -7 था और बुधवार को 4 बढ़ गया मीन्स +4, तो -7 + 4 माइनस और प्लस घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो संख्यात्मक मान के अनुसार 7 अधिक है, ऋण वाला चिन्ह अधिक है, तो ऋण रहेगा, 7 में 4 कम कर लेंगे तो 3, तो -3 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। देखिए यह समुद्र है, समुद्र के नीचे सबमरीन यानी पनडुब्बी है और ऊपर आकाश आसमान में जहाज उड़ रहा है, तो समुद्र तल से जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी 5000 मीटर है और समुद्र के तह से पनडुब्बी की गहराई यानी पनडुब्बी नीचे पानी के अंदर है 1200 मीटर पर है। आपको पनडुब्बी और जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात करनी है, तो समुद्र तल से ऊपर की दूरी हम पॉजिटिव लेंगे धनात्मक लेंगे और समुद्र तल से नीचे की दूरी हम ऋणात्मक लेंगे, तो इन दोनों की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात करने के लिए हम 5000 -1200 करेंगे, तो इसे लिखेंगे 5000 ऋण 1200। तो यह बन जाएगा 5000 ऋण और ऋण गुणा होगा तो बन जाएगा धन 1200। 5000 में 1200 जोड़ेंगे, 5 × 6 = 1200 मीटर जहाज और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी आ जाएगी। प्रश्न नंबर 5, मोहन अपने बैंक खाते में रुपया 2000 जमा करता है और अगले दिन उसमें से रुपया 1642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई धनराशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है
है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष धनराशि ज्ञात कीजिए। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो आपको कह रहा है कि यदि हम निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से दर्शाएंगे तो जमा की गई राशि को किस चिन्ह से दर्शाएंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो स्पष्ट है कि जो पैसा हम जमा करेंगे वह बढ़ेगा अर्थात धनात्मक होगा। तो जमा की गई धनराशि को हम धन चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। और अब आपसे पूछा गया 2000 में से उसने 1642 रुपए खाते से निकाल लिए तो उसके खाते में कितने बचे? तो क्या करेंगे, 2000 में से 1642 को घटा लेंगे। तो पहला उत्तर तो आप लिख लेंगे, जमा की गई धनराशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। और जो दूसरा उत्तर आ जाएगा, निकासी के बाद अवशेष धनराशि 2000 माइनस 1642 तो यह आ जाएगा 358। प्रश्न नंबर 6, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो देखिए, ए से वह पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर आप यदि धनात्मक लोगे तो पश्चिम उसका विपरीत है, तो स्पष्ट है पश्चिम को हम ऋणात्मक लेंगे। तो पहला उत्तर तो आप देंगे, पश्चिम की दूरी को हम ऋणात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे। अब दूसरा आपको उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति बतानी है। तो पहले वह 20 किलोमीटर जाती है तो ए से बी तक की दूरी 20 किमी आ जाएगा। उसके बाद बी से वह 30 किलोमीटर बैक जाती है पश्चिम की ओर, तो कहाँ पहुँच जाएगी वो? ए से 10 किलोमीटर पीछे होगी, 20 और 10 30 हो जाएगा। तो इसको हम गणित के अनुसार करेंगे तो आ जाएगा 20 धन में आएगा और धन फिर बैग हुआ कितना भी, पश्चिम की दूरी को हम ऋण से लिख रहे हैं तो ऋण 30, 20 धन ऋण 30 प्रारंभिक स्थिति से होता विस्थापन आएगा तो यह आ जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 30, 20 ऋण 30 तो धन और ऋण घटे हैं। चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, संख्यात्मक मान अधिक 30 का है तो ऋण और 30 में से 20 कम कर लेंगे 10। जब हम 20 में से 20 घटाते हैं 10 आता है तो 20 में से 30 घटाएंगे तो ऋण 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल Have the same sum. Share which of the following is magic square? किसी जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण का योग समान आता है। निम्नलिखित में जांच कीजिए कि कौन जादुई वर्ग है। फर्स्ट हम देखते हैं, इसको हम प्रत्येक पंक्ति को जोड़ेंगे, प्रत्येक कॉलम को जोड़ेंगे और इसके जो दो डायगोनल लाइन है जोड़ेंगे। इसी प्रकार इसमें भी वही करेंगे, तो जिसमें रो कॉलम और डायगोनल का योग समान आएगा तो वह जादुई वर्ग होगा, जिसमें नहीं आएगा तो वह नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रो फर्स्ट को जोड़ते हैं, पहले वाले में रो फर्स्ट का हम योग करते हैं। तो रो फर्स्ट में क्या है, 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4। तो देखिए प्लस वाले 5 है और माइनस वाले जुड़ जाते हैं, माइनस 4 माइनस 1 ये भी माइनस 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस 5 0, तो रो फर्स्ट का योग जो आएगा वह 0 आ जाएगा। ऐसे रो 2 सेकंड रो का योग देखते हैं, माइनस 5 माइनस 2 प्लस 7, तो माइनस और माइनस जोड़ते हैं तो माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 7 यह आ जाएगा 0। उसके बाद है रो थर्ड, रो थर्ड में देखते हैं 0 प्लस 3 प्लस माइनस 3 यानी माइनस 3 माइनस 3 0 बन जाएगा, तो 0 प्लस 0 यह भी 0 है। अब देखते हैं कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट में हम ऊर्ध्वाधर ऐसे जोड़ेंगे 5 ऋण 5 और 0 तो यह हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 0, तो यह भी 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। और कॉलम 2 देखते हैं, कॉलम 2 में माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस और माइनस जुड़ते हैं चिन्ह वही रहता है तो माइनस 3 आ जाएगा प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा। उसके बाद कॉलम थर्ड देखते हैं, तो थर्ड कॉलम में माइनस 4 7 एंड माइनस 3 है, तो माइनस 4 प्लस 7 माइनस 3, तो देखिए ऋण और ऋण वाले जुड़ जाते हैं तो माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 7
प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं, हम डायगोनली जोड़ते हैं, यानी इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। डायगोनल फर्स्ट ले लेते हैं 0, फिर माइनस 2 माइनस 4, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ऋण और ऋण जुड़ते हैं, चिन्ह वही रहता है, तो यह आ जाएगा ऋण 6। देखिये ऊपर रो और कॉलम सब 0 आ रहे थे, बट डायगोनल फर्स्ट का जो योग आया वह माइनस 6 आ गया, तो यह जादुई वर्ग नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे में रो फर्स्ट देखे हैं 1 माइनस 10 प्लस 0, तो ऋण और धन घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो ऋण अधिक है, 10 में 1 कम करेंगे 9, तो ऋण 9 आ जाएगा। और जो सेकंड रो है उसका योग देखते हैं माइनस 4, उसके बाद माइनस 3 माइनस 2, ऋण और ऋण जुड़ते हैं, चिन्ह वही रहता है, तो सब जुड़ जाएंगे, चिन्ह ऋण रहेगा, 4 3 7 2 9, ऋण 9 आ जाएगा। रो थर्ड तीसरी पंक्ति का योग देते हैं, तीसरी पंक्ति में ऋण 6 धन 4 ऋण 7, ऋण और ऋण जुड़ जाएंगे, ऋण 6 ऋण 7 हो जाएगा, ऋण 13 धन 4, ऋण और धन घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो संख्यात्मक मान 13 अधिक है, तो ऋण रहेगा, 13 में 4 कम कर लेंगे 9, तो ऋण 9 यह भी आ गया। अब हम इसको कॉलम वाइज जोड़ेंगे, यह कॉलम फर्स्ट है, दूसरा तीसरा, तो फर्स्ट कॉलम का योग देखते हैं 1 माइनस 4 माइनस 6, तो 1 वैसे ही रहेगा, माइनस 4 माइनस 6 समान चिन्ह वाले हैं, तो ऋण 10 आ जाएगा, तो 1 ऋण 10, संख्यात्मक मान ऋण का ज्यादा है, तो ऋण 10 में 1 कम करेंगे 9। कॉलम 2 का योग देखते हैं माइनस 10 माइनस 3 प्लस 4, तो ऋण और ऋण जुड़ते हैं, चिन्ह ऋण ही रहता है, तो ऋण 13 और धन 4, ऋण और धन घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान वाले का अधिक वाले का रहता है, तो ऋण ज्यादा है, 13 में 4 कम करेंगे 9, ऋण 9। और कॉलम थर्ड देखिए, थर्ड कॉलम का योग 0 माइनस 2 माइनस 7, ऋण और ऋण जुड़ते हैं, चिन्ह ऋण ही रहता है, तो माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9, तो रोज और कॉलम जो है इनका योग समान आ रहा है। आप देखते हैं विकर्ण डायगोनल फर्स्ट देख लेते हैं, माइनस 6 माइनस 3 और 0 है, देखिए ऋण 6 ऋण 3 धन 0, तो ऋण और ऋण जुड़ते हैं, चिन्ह ऋण ही रहता है, तो ऋण 9 आ जाएगा। अब इसका जो दूसरा विकर्ण है उसका योग देखते हैं 1 ऋण 3 ऋण 7, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 7, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 3 और माइनस 7 जुड़ेंगे, चिन्ह ऋण रहेगा, तो ऋण 10, तो 1 ऋण 10, ऋण और धन घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहेगा, तो 1 ऋण 10 ऋण 9 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस जादुई वर्ग में सभी पंक्ति और सभी कॉलम और दोनों विकर्णों में जो संख्याएं हैं उन सब का योग ऋण 9 आ रहा है। इसका मतलब जो दूसरा वाला वर्ग है यह जादुई वर्ग है, तो लिखेंगे चूंकि पंक्ति स्तंभ और विकर्णों का योग समान है इसलिए यह एक जादुई वर्ग है।